देहरादून के दरदत्त राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की बड़ी संख्या सुकून देने के साथ ही चिंता का सबब भी बन गई है। यहाँ के बाघ अब उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हरिद्वार वन प्रभाग के जंगलों में पलायन कर रहे हैं। बेहद संवेदनशील समझी जाने वाली दोनों राज्यों की इस सीमा पर बाघों के शिकार की आशंका से वन्य जीव महकमा समा हुआ है। हालांकि दावा किया गया है कि सीमा पर चौकसी बढ़ाने के साथ ही इसके लिए अतिरिक्त फंड जारी किया गया है। यही नहीं, पश्चिमी सीमा में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन्य जीव गलियार जल्द तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला और गौहरी रेंजों में पूर्व में बाघों की तादाद 14 सेकंड 18 के बीच थी, जो अब बढ़कर 34 सेकंड 37 के मध्य पहुंच गई है। बाघों की बड़ी संख्या के साथ अब वन्य जीव महकमे की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। असल में राजाजी टाइगर रिजर्व से गुजर रहे देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस पर मोतीचूर के नजदीक मोतीचूर चीला वन्य जीव गलियारा भी है। इसकी धीमी गति के कारण इस गलियारे में अभी तक फ्लाईओवर नहीं बन पाया है।